हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोगों ने द एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन किए, जिसमें हम लोगों ने यूरोप के कई ऐसी कंट्रीज थी जिनको हमने कंट्री बनाया, मतलब कई ऐसे रीजन्स थे जिनमें हमने रेवोल्यूशन करके कंट्री बनाया, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इटली के यूनिफिकेशन को पढ़ा था। आई होप बच्चों वहाँ तक की स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन करेंगे। क्या करने वाले प्यारे बच्चों? ब्रिटेन का यूनिफिकेशन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा जो टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पहले इस स्ट्रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्लियर रखना कि इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहा जा रहा है। सिंपल सा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोल दिया, इटली को यूनिफाई कराना था इटली यूनिफिकेशन बोल दिया टॉपिक ने उसको। तो यहाँ पे ये कुछ अलग सा नाम क्यों? तो इस अलग से नाम के पीछे का जो रीज़न है प्यारे बच्चों, वह रीज़न यह है कि आपके फ्रांस में रेवोल्यूशन, जर्मनी में रेवोल्यूशन, इटली में रेवोल्यूशन, जो भी आपने देखा उस सभी रेवोल्यूशंस में आपने एक चीज़ देखी है कि हमें आज़ादी के लिए, हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। क्या करनी पड़ी? हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं हुआ है। ब्रिटेन के केस में मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो मूवमेंट ही क्या करते हैं, ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के नाम से हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को, ठीक। तो देखते हैं कि क्या कहानी है। आई होप थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाए हो, बाकी हमारी एनसीईआरटी तो हमें सारा ज्ञान दे ही देती है, ठीक बच्चों। एनसीईआरटी बच्चों, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी अपनी एक एक लाइन में बहुत वाइड मीनिंग, ठीक है, बहुत ब्रॉड मीनिंग लेकर के चलती है, ठीक है। तो आप अगर उसको रीड कर रहे हो तो एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपको नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप एनसीईआरटी जरूर रीड करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी कहानी आपको वो समझा देती है जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी मैं तो हूँ ही। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो हमारा टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसमें एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का क्या कहना है, वही कहना है जो मैंने भी आपको बताया। क्या कहती है एनसीईआरटी? द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। कि ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन में, जो भी कह सकते हैं कि जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है ब्रिटेन में, वो कोई सडन अपहेवल, ठीक है, सडन अपहेवल या रेवोल्यूशन नहीं रहा है। सडन अपहेवल या रेवोल्यूशन सेम थिंग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज लोग सोए कि कल हमें क्या करना है, रिवॉल्ट करना है। इस तरीके का कोई सिचुएशन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वह एक लॉन्ग प्रोसेस चली है मूवमेंट को लेकर के। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में मूवमेंट्स हुए हैं और यूरोप में रेवोल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, ये आपने इस तरीके से टर्म सुना होगा, इंडियन मूवमेंट्स। तो मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ अचानक से कोई चीज़ नहीं हुई, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चला है, मूवमेंट चले हैं, उस मूवमेंट का एक रिजल्ट आया कि आज हम आज़ाद हैं। तो सेम वही तरीके से क्या हुआ था ब्रिटेन में, कि जैसा आप पूरे यूरोप में देखते आए हो कि फ्रांस, जर्मनी, आप देखोगे इटली, ठीक है, सब में हम लोगों ने देखा कि हमें रेवोल्यूशन करने पड़े हैं, हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। लेकिन ब्रिटेन के केस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म तक एक प्रोसेस चला है, एक मूवमेंट चला है, और उस मूवमेंट का रिजल्ट है कि एक ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये इमरजेंस में आया है, ठीक है। अभी आपके ये क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा आपको कि ग्रेट ब्रिटेन हम उसको कब कहते हैं
और एक यूनाइटेड किंगडम उसे कब कहते हैं। ठीक, तो आई हो बच्चों यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेंज क्यों कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर ब्रिटेन के केस को। आगे क्या है, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। मैंने बताया था ना कि लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद आप देखोगे कि ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के इमरजेंस में आया, मूवमेंट काफ़ी हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय लगभग 18th century से पहले, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटेन जैसे कोई भी कंसेप्ट इमरजेंस में नहीं थी। उस समय क्या कर चलते थे, उस समय कई एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या होता था, कई एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे। जो इंग्लैंड में एथनिक ग्रुप रहता था उसे इंग्लिश कहा जाता था, ठीक है, जिसे आज हम लैंग्वेज के बोलते हैं जो हमारी वो, ठीक है। उसके बाद वेल्स जो था, वेल्स के एथनिक ग्रुप को वेल्स कहा जाता था, स्कॉटलैंड के एथनिक ग्रुप को स्कॉट कहा जाता था, और आपके आयरलैंड के एथनिक ग्रुप को क्या कहा जाता था, एथनिक ग्रुप को आयरिश कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, आयरिश कहा जाता था। और ये कंप्लीट जब मिलते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यानी आप समझ रहे हो, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, कोई एक अलग से एक पूरा कह सकते हैं कि पूरा एक नेशन नहीं है, वो कई ब्रिटेन, मतलब कि जो आपकी ब्रिटेन ब्रिटिश आयरिश है, ठीक है, इसे पूरा ब्रिटिश आयरिश कहा जाता था। ठीक है, और इस ब्रिटिश आयरिश को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तब जाके वो क्या बनती है, एक नेशन स्टेट बनती है, जिसमें डोमिनेंस किसकी रहती है, ब्रिटेन की रहती है। आई बात समझ बच्चों, मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनको जब हम मिलाते हैं तो ये सभी के, ये तो सबके सब आपके आयरलैंड है, इन सभी आयरलैंड को जब हम मिलाते हैं तब जा करके आपका एक नेशन बनता है, एक यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, अकेला कोई एक नेशन नहीं है कि इंग्लैंड ही पूरा ग्रेट ब्रिटेन भी यूनाइटेड किंगडम भी है। ठीक है, इन सभी को मिला करके क्या बनता है, आपका एक नेशन बनता है, एक नेशन स्टेट बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश आयरिश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसे, ब्रिटिश आयरिश कहते हैं। आगे देखते हैं, ये जो एथनिक ग्रुप्स की बात किया, जिसमें हमने देखा कि इंग्लैंड के एथनिक ग्रुप को इंग्लिश, स्कॉटलैंड के इंग्लिश ग्रुप को स्कॉट, वेल्स के एथनिक ग्रुप को वेल्स और आयरलैंड के एथनिक ग्रुप को आयरिश कहा जाता था। और उस समय ब्रिटिश ब्रिटेन जैसी कोई भी चीज़ इमरजेंस में नहीं थी। अब क्या है, ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप हैड दियर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। अब क्या थे, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने क्या थे, एक कल्चर था और अपना एक कह सकते हो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, यानी सब अपने में अलग अलग थे। ठीक है, बट एज एन इंग्लिश नेशन स्टेबली ग्रीव इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइसलैंड। यानी देखिए, ब्रिटेन के आसपास जितने भी आइसलैंड थे, यानी इंग्लैंड, आपका ये सब आइसलैंड है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये सब के सब आपके क्या है, आइसलैंड है। इन्हीं आइसलैंड को मिलाकर के आपका एक नेशन बना है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी इंग्लिश एथनिक ग्रुप थी, इंग्लिश एथनिक ग्रुप यानी इंग्लैंड की जो एथनिक ग्रुप थी, शुरू से मैं आपको बताता चला रहा हूँ बच्चों, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सबसे तेज हुआ है। तो इंग्लैंड में क्या होता बच्चों, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आता है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, जिसमें उसने क्या किया, काफ़ी पावर, वो वहाँ के जो मिडिल क्लास थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई। ठीक है, वहाँ की जो कह सकते वेल्थ थी वो भी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के लोग थे, ठीक है, जो इंग्लैंड के लोग थे वो अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो पावरफुल हो गए वेल्थ में भी, ठीक है, और कह सकते हैं कि इम्पोर्ट जो उनके मिडिल क्लास के लोग थे वो भी काफ़ी पावरफुल होते चले गए वेल्थ और इम्पोर्टेंस में। ठीक है, देखा गया क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। अब वो अपनी इन्फ्लुएंस क्या कर रहे थे, बाकी के आइसलैंड जो थे वहाँ भी फैलाना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने फैलाया, यानी अब वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। और होता क्या है, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ
protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब होता क्या है, इंग्लैंड की बात की जा रही है। इंग्लैंड में क्या होता है, अब वहाँ पे वेल्थ अच्छी खासी हो गई, जो मिडिल क्लास थी वो काफ़ी पावर में आ गई। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके पार्लियामेंट, ठीक है, अब उनकी जो पार्लियामेंट थी उसमें, और उस समय जो इंग्लैंड के मोनार्क थे उनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। और उस कन्फ्लिक्ट में जो आपके मिडिल क्लास यानी जो पार्लियामेंट थी वो मोनार्क से कहती है कि हमारे साथ पावर शेयर करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ, नहीं तो हम आपको उठा करके फेंक देंगे। और मोनार्क को उनकी बातें माननी पड़ी, क्योंकि वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो काफ़ी प्रॉस्परस हो चुके थे। क्या हो चुके थे बच्चों, काफ़ी प्रॉस्परस हो चुके थे। इसलिए उसने क्या किया, इंग्लैंड के मोनार्क ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने की जो शर्त थी उसे मानी, और उसने इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसके अंडर में वो आ गया। आगे क्या होता है, केम टू बी फोर्ज्ड। अब क्या होता है, सिंपल सा, इंग्लैंड एज इट सेंटर केम टू बी फोर्ज्ड। अब क्या होता है कि पूरी तरीके से जो इंग्लैंड है वो कह सकते हैं कि डोमिनेंस हो जाती है वहाँ पर पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की। अब होता क्या है, अब जाहिर सी बात है इंग्लैंड में जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था उसने अपनी डोमिनेंस बना ली, ठीक है। वहाँ पे मोनार्क जो था वो मोनार्क भी कैसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। आज भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर इंग्लैंड के लोग थे वो अपने आप को आप कह सकते हो कि एक्सटेंड करना शुरू करते हैं, एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। तो अब ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं स्कॉटलैंड में। कहाँ पहुँचते हैं बच्चों, स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड की कहानी क्या है, तो स्कॉटलैंड को इन्होंने अपने में कैसे मिलाया, तो स्कॉटलैंड को इन्होंने अपने में एक एक्ट के थ्रू मिलाया। कैसे मिलाया बच्चों, एक एक्ट के थ्रू मिलाया। वो एक्ट क्या थी, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और क्या होता है, आपका जो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 था उसके थ्रू इंग्लैंड ने, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसमें जिसके थ्रू इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। अब जब स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने मिला लिया तो अब इसी इमर्जेंस को, इसी ग्रुप को क्या बोला जाने लगा, द ग्रेट ब्रिटेन बोला जाने लगा। क्या क्या मतलब, वेल्स, वेल्स तो बच्चों देखिए, वेल्स सबसे पहले मिल चुका था, ठीक है, वेल्स सबसे शुरुआत में ही मिल चुका था इंग्लैंड के साथ। तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जब इमर्जेंस हुआ तो इसे ही द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और स्कॉटलैंड को ब्रिटेन ने एक्ट 1707, यूनियन एक्ट 1707 के थ्रू क्या किया था, अपने में मिला लिया था, ठीक। वो बात आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है। आगे क्या होता है, उसके बाद क्या है, इन इफेक्ट द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटलैंड, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंस फ्रंट डोमिनेंट बाई द इट्स इंग्लिश मेंबर, द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड ट्रिबल्स रिप्रेजेंस वेन एवर दे अटेम्प्ट द असर दियर इंडिपेंडेंस। अब क्या होता है बच्चों, की पूरी कहानी क्या है, जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है इसका कहानी क्या है कि आप समझिएगा, इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब जिसके बाद क्या होता है, इस एक्ट के थ्रू इंग्लैंड क्या करती है, अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड में बनाना शुरू कर देती है। यानी जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था वो स्कॉटलैंड में अपनी डोमिनेंस बनाना शुरू कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस लाना शुरू करता है। इस एक्ट का इफेक्ट था ये, ठीक है। आगे क्या होता है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंस फ्रंट डोमिनेंट बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। और ये क्या कर रहा था कि जो उस समय का इंग्लिश मतलब जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट था उसमें सारे के सारे जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप के लोग थे वो क्या कर रहे थे, डोमिनेंट कर रहे थे। अब भाई साहब जाहिर सी बात है, जिनकी डोमिनेंस होगी वो अपने कल्चर को, अपने आप को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो वो क्या करते थे, द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डैट स्कॉटलैंड डायनेस्टिक कल्चर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वॉज सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। जो अब क्या हो रहा था, जब इंग्लिश
एथनिक ग्रुप के लोग पार्लियामेंट में थे, तो उन्होंने स्कॉटलैंड के जो कल्चर था, जो सिस्टमेटिकली उसको क्या, जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको सिस्टमेटिकली क्या कर दिया गया, सप्रेस्ड कर देते हैं वो। आई बात समझ, मतलब क्या था, देखिए पहली चीज़ तो क्या थी, यूनियन एक्ट 1707 के थ्रू स्कॉटलैंड को अपने अंडर में लेता है इंग्लैंड। उसके बाद देखा जाता है कि पार्लियामेंट जो इंग्लैंड की थी, वहाँ पे जो डोमिनेंस थी किसकी थी, इंग्लिश एथनिक ग्रुप की थी। और वो इंग्लिश एथनिक ग्रुप क्या करता था, स्कॉटलैंड के जो भी उसका कल्चर था, फोक कल्चर था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसको सिस्टमेटिकली क्या कर देता है, सप्रेस्ड कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। आगे क्या होता है, द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड ट्रिबल रिप्रेजेंस वेन एवर दे अटेम्प्ट द असल्ट दियर इंडिपेंडेंस। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडेड टू स्पीक दियर गैलिक लैंग्वेज और वियर दियर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर वर फोर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ दियर होमलैंड। अब क्या होता था कि जो स्कॉटलैंड के लोग थे, जब वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक, अपने कल्चर और लैंग्वेज के बिहाफ पे वो क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंस करना चाह रहे थे, अपने आप को इंडिपेंड करना चाह रहे थे, तो क्या किया गया कि जो आपकी इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, जो इंग्लिश कह सकते हो, जो कैथोलिक ग्रुप था। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा बच्चों, उस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके धर्म में कह सकते हैं कि कई पार्ट्स में लोग बटे होते हैं, जैसे आप देखोगे दिगंबर हैं, ठीक है, श्वेतांबर है, इस तरीके से कई आपके पंथ बटे हुए। तो उसी समय, उस समय जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियंस लोग थे, उनकी वो जो ग्रुप थे वो भी दो ग्रुप में बटे हुए थे। पहला क्या था, प्रोटेस्टेंट थे और एक क्या थे, कैथोलिक थे। कौन कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक थे। कैथोलिक वो जो पुराने ट्रेडिशन को मानते थे, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, उसके पुराने तौर तरीकों को जो मानते थे वो कैथोलिक कहलाएं, और जो नई चीज़ों को ऐड कर रहे थे, जो नई चीज़ों को लेकर के मानते थे क्रिश्चियनिटी को, वो आपके प्रोटेस्टेंट कहलाएं। तो इंग्लैंड में जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट लोग थे, ठीक है, वो लोग कौन थे, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग थे, और आपके स्कॉटलैंड में जो थे कैथोलिक लोग थे। तो अब क्या हो रहा था, जो कैथोलिक लोग क्या करते थे, इस तरीके कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए कुछ करते थे, तो उसे भी क्या किया कर दिया जाता था, सप्रेस्ड कर दिया जाता था, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, सबको सप्रेस्ड कर दिया जाता था। और उन ऐसे जो लोग इस तरीके के इवेंट वगैरह करने की कोशिश करते थे, उन्हें उनके होमलैंड से, अर्थात उनके घर से भगा दिया जाता था, स्कॉटलैंड से उन्हें भगा दिया जाता था। इस समय ये सारी सिचुएशन स्कॉटलैंड के साथ चल रही थी। अब क्या होता है कि आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, और यही सिमिलर फेट, यानी ये जो सिमिलर सिचुएशन आप देखा है आपने स्कॉटलैंड में, इसी सिमिलर फेट को कौन फेस करता है, आपका आयरलैंड फेस करता है। आयरलैंड में बच्चों क्या था, आयरलैंड में भी आपके दोनों ग्रुप वहाँ पे रहते थे, यानी प्रोटेस्टेंट ग्रुप भी था और आपका कैथोलिक ग्रुप भी था। और होता हुआ क्या, वहाँ पे कैथोलिक लोग ज़्यादा थे और प्रोटेस्टेंट लोग कम थे। तो प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो चाहते थे कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों का क्या हो जाए, आधिपत्य हो जाए, प्रोटेस्टेंट लोगों की डोमिनेंस हो जाए। तो प्रोटेस्टेंट लोगों की डोमिनेंस कैसे हो सकती है, अगर इंग्लैंड उनको हेल्प कर दे तो। अब इंग्लैंड ने हेल्प की, क्यों हेल्प की, क्योंकि प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में भी रहते थे और वहाँ पे आयरलैंड में भी रहते थे। तो भाई प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट भाई भाई दोनों ने, यानी इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प की और प्रोटेस्टेंट्स ने मिल करके क्या किया, इंग्लैंड के साथ मिल करके आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया। क्या कर दिया बच्चों, आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आयरलैंड थी, ये क्या थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही में डिवाइड थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश डियर डोमिनेंस ओवर अ लार्जरी, ठीक है, लार्जरी कैथोलिक कंट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो वहाँ पे थे कैथोलिक लोग ज़्यादा थे, तो अब इंग्लैंड ने क्या किया, वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लीड बाई वुल्फ टोन। अब क्या होता है कि कैथोलिक लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ क्या किया, रिवॉल्ट किया, लेकिन उस रिवॉल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने यानी ब्रिटेन के लोगों ने क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। और वो कह सकते हो कि किसके थ्रू हुआ था वो रिवॉल्ट, वो रिवॉल्ट हुआ था वुल्फ टोन, किसकी
अंडर में हुआ था वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आप यहां देख पा रहे होगे कि हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1789, ठीक है, वुल्फटोन और वहां के जो भी पर्टिकुलर लोग थे उनके साथ मिलकर के 1798 में उन लोगों ने जो पर्टिकुलर ब्रिटिश डोमिनेंस थी उन ब्रिटिश डोमिनेंस को रोकने का काम किया। लेकिन क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट लोगों ने उसे क्या कर दिया था, पर्टिकुलर सप्रेस्ड कर दिया था। आगे क्या होता है बच्चों, आगे होता है कि आयरलैंड वॉज फोर्सबुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और 1801 में फोर्सफुली क्या कर दिया जाता है, पर्टिकुलर आपके यूनाइटेड किंगडम जो आयरलैंड था उसे क्या कर लिया जाता है, फोर्सफुली अपने इंग्लैंड के साथ मिला लिया जाता है। अब यह जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे ही प्रोसेस में अब आयरलैंड भी आ गया। अब आयरलैंड आ गया तो इस पूरे आयरलैंड को जब मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, आपके यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को जब मिलाया जाता है तो आपका ये क्या बन जाता है, आपका यह बन जाता है पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बच्चों, इसमें भी कहानी है, इसमें कहानी ये है कि एंड में क्या होता है कि एंड में जो सदर्न पार्ट था किसका, आयरलैंड का, वो अपने आप को अलग करने में सक्सेसफुल हो जाता है और सक्सेसफुल होकर के वो अपना एक अलग नेशन बन जाता है। यानी अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन है, नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और इन्हीं पूरे को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो ये कहानी थी बच्चों ब्रिटेन के एक नेशन स्टेट बनने की, क्या थे, ब्रिटेन के एक नेशन स्टेट बनने के। तो बच्चों है क्या पूरा एक कहानी, हम लोग एक बार फिर से कवर करते हैं क्या है, इंग्लैंड उस समय का जो पर्टिकुलर, आज आपका ब्रिटेन जो है उस तरीके का कभी उस समय 18 सेंचुरी पहले इमर्जेंस में नहीं था, वहाँ पे कई आइसलैंड हुआ करते थे। उस आइसलैंड में इंग्लैंड जो था वो काफ़ी प्रॉस्परस था क्योंकि वहाँ पे कह सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आए थे और वहाँ पे क्या थे उस समय आपके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे, इंग्लैंड के इंग्लिश, स्कॉटलैंड के स्कॉट, वेल्स के वेल्स और आयरलैंड के आयरिश कहलाते थे। जिसमें से इंग्लिश एथनिक ग्रुप क्या करता था, वहाँ के जो मिडिल क्लास थे वो काफ़ी प्रॉस्परस होते चले गए, उन्होंने अपने मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया और उसके बाद उन्होंने अपनी डोमिनेंस क्या करनी शुरू कर दी, एक्सटेंड करना शुरू कर दी, जिसके थ्रू उन्होंने यूनियन एक्ट 1707 के थ्रू क्या किया, स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो भी वहाँ पे कैथोलिक ग्रुप रहता था उस कैथोलिक ग्रुप के कल्चर, ठीक है, ट्रेडिशंस सबको ख़त्म करके वहाँ पे अपनी डोमिनेंस बना ली। उसके बाद उन्होंने सेम सिचुएशन को क्या किया, अप्लाई किया आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड में दोनों तरफ कह सकते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों लोग रहते थे, जिसमें से उन्होंने अपनी डोमिनेंस यानी इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अपनी डोमिनेंस आयरलैंड में बनाए रखने के लिए क्या किया, वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प की और प्रोटेस्टेंट्स ने मिल करके क्या किया, जो लार्ज नंबर ऑफ कैथोलिक ग्रुप था वहाँ पे उनको सप्रेस्ड किया, उनको ख़त्म किया और उसके बाद वहाँ पे अपनी डोमिनेंस बिठा ली, जिसको अभी हम लोगों ने देखा। तो आई होप बच्चों ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन बन चुका है, अब ब्रिटेन बन चुका है, यूनाइटेड किंगडम बन चुका है, तो अब जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़रूरत है नेशनलिज्म की फीलिंग लाने की, ठीक है, यानी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि कैथोलिक ग्रुप, प्रोटेस्टेंट ग्रुप, कन्फ्लिक्ट, अब वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अब सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है वहाँ की। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग वगैरह कैसे आती है। तो क्या है, द न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब क्या था, जो पूरा ब्रिटिश नेशन था वो क्या था, वो डोमिनेंस कर रहा था इंग्लिश कल्चर से, यानी मैंने बताया था इंग्लैंड वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस में था, ठीक है, इंग्लैंड ही डोमिनेंस में था, तो अब इंग्लैंड में कौन सा आपका ग्रुप रहता था, इंग्लिश कैथोलिक ग्रुप रहता था, तो वही डोमिनेंस में था आपका। तो द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, उन्होंने क्या किया,
तो जो अब नया सिंबल था ब्रिटेन का वो कैसा था, ब्रिटिश फ्लैग था, जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, यूनियन जैक कहा जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नदर्न आइलैंड, इन तीनों के सिंबल्स को मैच मिक्स करके एक कह सकते हैं कि फ्लैग बनाया गया, जिसे यूनियन जैक कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है। द सिंबल सॉरी द नेशन नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और क्या होता है, एक नेशनल एंथम बनता है जिसमें क्या कहा जाता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, कि हमारे किंग यानी हमारे मोनार्की की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉर वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड दी और ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और क्या हुआ था कि जो सबऑर्डिनेट पार्टनर्स थे यानी स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, यहाँ ठीक है, ये जब वो कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो क्या की जा रही थी, लगातार प्रमोट की जा रही थी, और जो बाकी के सबऑर्डिनेट थे पार्टनर्स यानी स्कॉट, वेल्स और आयरलैंड, ये क्या कर रहे थे, लगातार सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। ये आई बात समझ बच्चों आपको, आई होप कहानी पूरी समझ में आ चुकी होगी आपको। तो बच्चों बस यही कहानी थी आपकी, किसको लेकर के, आपके पर्टिकुलर स्ट्रेंज केस ऑफ इंग्लैंड को लेकर के। प्यारे बच्चों आई होप सारी सिचुएशन, सारी कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।